और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस में मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, पहले इसको आप अच्छे से समझ लें। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से माइंड में फिट होना चाहिए, और वो पॉइंट फिट हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर आप एक लाइन खींचते हैं, या वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, इन सब के बीच हमारा 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे को साउथ, राइट हैंड को ईस्ट बोलते हैं और लेफ्ट हैंड को वेस्ट। पुनः इसको बीच से डिवाइड कर दो। आप देखिए, यह जो लाइन है यह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो यह हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। यह लाइन है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो यह हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यह जो लाइन है साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो हो जाएगा साउथ वेस्ट। यह जो लाइन है साउथ और ईस्ट के बीच है, तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें एक सबसे बहुमूल्य कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए। अगर कोई भी मूव कर रहा है नॉर्थ से साउथ की ओर, अगर पूछे नॉर्थ की साउथ की ओर मूवमेंट है और यहाँ से राइट मूव कर रहा है, तो केवल नॉर्थ से साउथ की ओर मूवमेंट में, जब ये राइट की ओर बोले तो हमारा राइट हैंड इधर है, तो हम अपने राइट हैंड के अपोजिट मूवमेंट हो जाएंगे, तो बोर्ड पे हमारा राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं बोले कि कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, तब मुझे हमें राइट मूव करना है, तो ये हमारा राइट हैंड है, तो जिस तरीके से हमारा राइट हैंड है सेम उसी डायरेक्शन में राइट कर देंगे। यह बेसिक चीज़ हमें दो याद होना चाहिए। यहीं पे जो नॉर्थ से साउथ की आता है हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है, और सारा कहानी ख़त्म हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन से समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है, माई फ्रेंड एंड आई माई फ्रेंड एंड आई स्टार्टेड साइमल्टेनियसली towards each other from two places from टू प्लेसेस 100 मीटर अपार्ट, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर अपार्ट। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर my friends turn left. And goes 10 meter. Then he turn right. And goes 20 meter. And goes 20 meter.
एंड देन टर्न राइट एंड देन टर्न राइट राइट अगेन एंड कम बैक अगेन एंड कम बैक टू द रोड टू द रोड ऑन विच ही हैड ऑन विच ही हैड स्टार्टिंग वॉकिंग स्टार्टिंग वॉकिंग इफ द वॉक विथ सम स्पीड इफ ही वॉक विथ सेम स्पीड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शन ए दिया हुआ है 50 मीटर बी दिया हुआ है 20 मीटर सी दिया हुआ है 30 मीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 40 मीटर ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से समझना है। हमने जो आपको ये 8 पॉइंट बताया है, इसी पे टोटल क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, बस हमें सही डायरेक्शन में इसके डायग्राम को बनाना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, माई फ्रेंड्स एंड आई स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस फ्रॉम 100 मीटर अपार्ट। यानी देखो, यहाँ पे उसका फ्रेंड है, फ्रेंड्स, और यहाँ पे वो स्वयं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं जब यह, और टोटल बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है यहाँ से यहाँ की टोटल। जब उसका दोस्त भी 30 मीटर चल देता है और वह खुद जब 30 मीटर आ जाता है, तब इसका दोस्त आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर देन ही टर्न राइट। अब उसका दोस्त क्या है कि यहाँ से 10 मीटर राइट की ओर मूव करता है, ठीक है। माई फ्रेंड्स एंड आई स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 100 मीटर अपार्ट आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर टर्न लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर देन ही टर्न राइट एंड गोज 20 मीटर देन ही टर्न राइट। अब देखो, एक मिनट, इसमें है अपार्ट्स आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर फ्रेंड्स लेफ्ट टर्न आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर फ्रेंड्स टर्न लेफ्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मिस कर गया है, आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर फ्रेंड्स टर्न लेफ्ट, यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स टर्न
लेफ्ट, ठीक है। उसका फ्रेंड्स है स्टार्टिंग से 30 मीटर आ गया, वह खुद इधर से 30 मीटर आ गया। 30 मीटर आने के बाद उसका दोस्त है वो लेफ्ट टर्न कर जाता है, कितना 10 मीटर। अब ये लेफ्ट टर्न किया, ऊपर चला गया, कितना 10 मीटर, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड गोज 20 मीटर। फिर इसका दोस्त यहाँ से 20 मीटर क्या करता है, राइट जाता है 20 मीटर, ठीक है। एंड देन टर्न राइट अगेन अगेन एंड कम बैक टू द रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टिंग वॉकिंग। अब यहाँ से पुनः राइट मुड़ के उसी रोड पे आ जाता था, आ जा रहा है जहाँ पे स्टार्टिंग से वो मूव कर रहा है। तो यहाँ से मूव करके कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, सेम इसी रोड पे। तो पूछ रहा है इफ ही वॉक विथ सेम स्पीड्स व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अस एट हिज पॉइंट ऑफ द टाइम। तो पूछ रहा है कि हम दोनों के बीच में, अब इसका दोस्त यहाँ पे खड़ा है और इसका दोस्त चल के यहाँ पे आ गया और यह खुद यहाँ 30 मीटर के बाद खड़ा है, तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी हो गई। इसको फाइंड आउट करने के लिए टोटल लेंथ 100 है, यह 30 आया, यह भी 30 आया, तो 30 + 30 = 60। यहाँ कितना बचा हुआ है, 40 में देखो यह 20 चला गया, यानी यहाँ की यह 20 कवर कर लिया, तो बचा कितना यहाँ 20, क्योंकि 30 और 30 = 60 और 60 + 20 = 80 और टोटल 100 है, तो यहाँ कितना बच रहा है 20 मीटर। और यही 20 मीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो टोटल डिस्टेंस 100 हो गया, 100 में माइनस कर देंगे 30 + 30 + 20, कितना हो गया 100 - 80, तो कितना बचा 20 मीटर, यानी ऑप्शन बी आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नोट डाउन कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इस जो डायरेक्शन और डिस्टेंस के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बस हमें डायरेक्शन हमारा गलती नहीं होना चाहिए, अगर डायरेक्शन में गलतियाँ हो गई तो गलतियाँ हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन है, ए गोज 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स, ए गोज 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड, ए गोज 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स देन टर्न राइट देन टर्न राइट एंड प्रोसीड 7 किलोमीटर एंड प्रोसीड्स 7 किलोमीटर ए गो 7 किलो ईस्टवर्ड्स देन टर्न राइट एंड प्रोसीड 7 किलोमीटर then travel 15 kilometer then travels 15 kilometer towards left towards left then travel 12 kilometer then travel 12 kilometer towards left towards left and finally goes and finally goes
5 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, 5 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस, हिज प्लेस इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ए दिया हुआ है 20 किलोमीटर, बी दिया हुआ है 22 किलोमीटर, सी दिया हुआ है 23 किलोमीटर और डी दिया हुआ है 25 किलोमीटर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे अच्छे से हम इसे समझते हैं। ए गो 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्ट हमारा क्या होता है राइट की ओर, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से चला गया 7 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न राइट एंड प्रोसीड 7 किलोमीटर, यहाँ से राइट घूम गया और पुनः 7 किलोमीटर चला। देन ही ट्रेवल 15 किलोमीटर टुवार्ड्स लेफ्ट, हमने बताया था नॉर्थ से साउथ की जाएगा, लेफ्ट पूछेगा तो हम अपने लेफ्ट के अपोजिट हो जाएंगे, तो 15 मीटर चला गया लेफ्ट, 15 किलोमीटर लेफ्ट। देन ट्रेवल 12 किलोमीटर टुवार्ड्स लेफ्ट, पुनः 12 किलोमीटर या कहाँ जा रहा है लेफ्ट, यानी 12 किलोमीटर ऊपर चला गया 12 किलोमीटर टुवार्ड्स लेफ्ट। एंड फाइनली गोज 5 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स, अब यहाँ से फिर 5 किलोमीटर या नॉर्थ चला गया। तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है लेफ्ट टू राइट, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर या ईस्ट से वेस्ट की ओर, इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसको आप मैच कर दो, अब यहाँ से आप 15 है तो ये भी क्या हो गया, यह 15 हो गया और यह 7 है। तो पूछ रहा है कि जब वर्टिकल डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा है तो हॉरिजेंटली इस वर्टिकल का कितना दूरी होगा, तो यह तो 7 है और यह 15 है, तो 15 और 7 को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 15 यानी 22 किलोमीटर, यानी इस प्लेस से हॉरिजेंटली या जहां मूव कर रहा है इसकी डिस्टेंस कितनी है 22 किलोमीटर, क्योंकि इसी वर्टिकली पाथ पे मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हॉरिजेंटली इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 15 किलोमीटर। यहाँ से यह डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है तो क्या हो गया यहाँ पे 22 किलोमीटर। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खूब मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना तरक्की कीजिएगा, मेहनत ही सब कुछ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लिख लिए तो अच्छी बात है, अन्यथा पॉज करके लिख लेना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए, क्वेश्चन है एक्स वॉक 20 फीट फ्रॉम ए टू बी, कोई एक्स है, एक्स वॉक 20 फीट फ्रॉम ए टू बी,
इन द ईस्ट डायरेक्शन, इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन एक्स टर्न टू राइट, देन एक्स टर्न टू राइट एंड वॉक 6 feet एंड वॉक 6 feet. Again X turn, again X turn to the right, to the right and walk 28 feet and walk 28 feet. How far is X? How far is X from A? From A. Option दिया हुआ है 28 feet. ऑप्शन बी दिया हुआ है 9 feet. ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 feet. ऑप्शन डी दिया हुआ है 27 feet. ठीक है, अब इसको ध्यान से आप देखिए. क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वॉक 20 feet फ्रॉम ए टू बी. यानी देखो, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है. तो एक्स जो है ए से बी पे गया कितना फीट? 20 फीट. ठीक है, इन द ईस्ट डायरेक्शन, यानी ए से बी ईस्ट डायरेक्शन में गया. देन एक्स टर्न टू राइट एंड वॉक 6 feet. यहाँ से राइट चला और यह 6 feet. ठीक है, अगेन एक्स टर्न टू राइट. हमने बताया था जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा तो राइट बोलेगा तो हम अपने राइट के अपोजिट हो जाएंगे. अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक 28. यहाँ से यह 20 हो गया और फिर 8 आगे चला गया, यानी यह 28 feet. तो हमसे पूछ रहा है हाउ फार इज एक्स फ्रॉम ए. यानी अब एक्स यहाँ पहुँच गया, अब ए से एक्स की दूरी कितनी है यह पूछ रहा है. तो आप देखिए, यहाँ से यहाँ 6 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितनी हो गई 6. यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 28 है. 28 में से 20 चला गया तो ये कितना बचा 8. नंबरिंग कर दीजिए एक्स, यहाँ ए है यह है, यहाँ सी कर दीजिए. आप देखिए यहाँ ट्रेंगल बना गया एक्स सी और ए. तो यहाँ पर यह 90 बन रहा है, तो 90 बन रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यह हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया एक्स, बेस हो गया एक्स सी और हाइट हो गया सी ए. तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो लगा दीजिए यहाँ पे रूट अंडर बेस स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस हाई परपेंडिकुलर स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36 यानी रूट अंडर 100. तो कितना रूट अंडर 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 feet. यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी. तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आते हैं. हमें क्या करना है, खुद पे विश्वास रखना है, मेहनत करना है. और जीवन में हमेशा एक बात याद रखो कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा. अगर इस अब ख्वाब में हो कि हमें कहीं किसी संस्था में पढ़ लेंगे, वो संस्था हमें पास करा देगा, संस्था का फ़र्क पड़ता है. संस्था का सबसे बड़ी फ़र्क है कि उस टीचर के द्वारा जो उस किसी भी एग्ज़ाम की डिमांड है उस सारे एग्ज़ाम को कवर करे, क्लास कंटिन्यू चले. ठीक है, और जितने हर प्रत्येक क्वेश्चन वो टीचर डील करे तो हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए.
या टीचर और किसी भी संस्थान की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।